हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज इन रेंज 0 to 2 पाई। अभी तक हमने इससे पहले हाफ रेंज फोरियर सीरीज, फुल रेंज फोरियर सीरीज, इवन एंड ऑड फंक्शन इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज इन रेंज 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 to 2 पाई। तो हमारा फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, और फिर ए जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1/2π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन का वैल्यू क्या होता है? 1/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन इज इक्वल टू 1/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फूरियर सीरीज है। कहाँ? जब 0 से 2π के बीच में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है केस वन, जब क्या करेंगे हम इसकी चेक करते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जो भी हमारा गिवन फंक्शन दिया रहेगा वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, इसके पहले हम चेक करेंगे। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ 2π - x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब कोई भी फंक्शन कैसे आता है, इवन फंक्शन आता है, तो वो क्या हो जाएगा? कोसाइन फूरियर सीरीज़ हो जाएगा। कोसाइन फूरियर सीरीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग ए जीरो निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, बी एन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन एक्स हो जाएगा। इसके बाद केस टू आता है। तो केस टू में क्या होगा? जब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ 2π - x इज इक्वल टू क्या देगा? एफ ऑफ -x। तब हम क्या करेंगे? जो सीरीज़ है हमारी साइन सीरीज हो जाएगी। साइन सीरीज में हमको सिर्फ बी एन निकालना है, ए एन और ए जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ क्वेश्चन एक देखते हैं कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π - x इन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2π। तो हमारे 0 पाई से क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है ना। तो हमारा फंक्शन है गिवन, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π - x। इसको पहले चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 2π - x में चेक करते हैं, तो π - 2π - x, तो ये हो जाएगा π - 2π + x, तो ये हो जाएगा -π + x। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो π - x हो गया। तो एफ ऑफ 2π - x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स आ जा रहा है। मतलब गिवन फूरियर सीरीज कैसा फूरियर सीरीज है? साइन सीरीज है। तो गिवन फूरियर सीरीज इज, गिवन फूरियर सीरीज इज साइन फूरियर सीरीज, साइन फूरियर सीरीज है ना। जो हमारा गिवन फूरियर सीरीज है वो क्या है? साइन फूरियर सीरीज है। तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे? बी एन। बी एन मीन्स 2/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बी एन इज इक्वल टू क्या होता है? 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा बी ऑफ एन इज इक्वल टू 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है π - x साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/π 2/π, यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो ये हमारा पूरा यू है, ये हमारा पूरा वी है। तो π - x रखें, साइन एन एक्स करेंगे तो क्या आ जाए? -cos nx/n। फिर इसका करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या? -1। पाई का 0 हो जाएगा, x का -1, और इसका करेंगे तो -sin nx/n लिमिट 0 to π। फिर ठीक है, यहाँ तक आया। इसके बाद आगे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2/π, लिमिट रखेंगे, π - π रखता हूँ, तो π - π रखने पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ sin nπ की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। sin nπ भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब 0 रखते हैं तो π - 0 मीन्स क्या हो जाएगा? क्या π - 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 को -cos 0/n। ठीक है, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला? -π - π 1/n, मतलब क्या मिला? 2/π (1/π)/n। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बी एन की वैल्यू क्या मिल गई? 2/n। तो अब इसको हम क्या रख देंगे? फोरियर सीरीज में। देयरफॉर सो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स
ठीक है। तो ये आ गया हमारा समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फानाइट टू अपॉन एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, टू तो कॉमन निकाल देता हूँ सारों में से, तो वन रखूँगा तो मिलेगा साइन एक्स, फिर टू रखते हैं तो क्या मिल गया, वन अपॉन टू साइन टू एक्स, फिर वन अपॉन थ्री साइन थ्री एक्स अप टू, ये जैसा चलते जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है और करते जाना आगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।